तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत ही मस्त होंगे। तो तुम्हारा भाई लेके आ चुका है एक और न्यू धमाकेदार वीडियो। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, और चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड, आ जाना है अपना गैलरी में, और जिस भी फोटो को आप लोग को एडिट करना है उस फोटो को ले लेना है और इसको शेयर कर लेना है लेटरूम एप्लीकेशन में। थोड़ा यहाँ वेट कर लेना है, थोड़ा लोडिंग लेता है यहाँ। तो देखो मेरा फोटो जा चुका है। तो सिंपली इतना कर लेने के बाद क्या करना है फ्रेंड, पूरा काट देना है, पूरा यहाँ से बैक आ जाना है पूरा। उसके बाद आ जाना है लेटरूम एप्लीकेशन में। उसके बाद ऑल फोटो पे क्लिक करना है। देख सकते हैं मेरा फोटो आ चुका है। तो ये वाला प्रीसेट ले लेना है। इस प्रीसेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद ऊपर की साइड देख सकते हैं 3 डॉट का एक्शन दिया है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद कॉपी सेटिंग कर देना है इसको। उसके बाद ज्योमेट्री, मास्किंग और हिल को, इस सबको तीनों को टिक कर लेना है। क्रॉप को छोड़ देना है। उसके बाद राइट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है। उसके बाद जिस भी फोटो को अभी हम लोग शेयर किए थे उस फोटो को ले लेना है और फिर से 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद इसको कर देना है पेज सेटिंग। तो देख सकते हैं हमारा फोटो एक ही क्लिक में कितना अच्छा तरह से एडिट हो चुका है। तो फाइनली इतना कर लेने के बाद क्या करना है फ्रेंड, इसको शेयर कर लेना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो इसको शेयर कर लेते हैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। देख ही सकते फ्रेंड आ गया है मेरा फोटो। तो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आ जाने के बाद क्या करना है, 3रा नंबर में नीचे की साइड देख सकते हैं इफेक्ट वाला ऑप्शन दिया है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा लेफ्ट की साइड स्क्रॉल करना है और टेस्टिंग वाला पे क्लिक करना है, और 2nd नंबर वाला जो नीचे की साइड देख सकते हैं फाइटल 1 है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से उसी में क्लिक करना है। उसके बाद इसको कर देना है मल्टीप्लाई और इसको पूरा माइनस कर देना है। उसके बाद थोड़ा इसको फेस से हटा लेना है। ऊपर की साइड देख सकते हैं इरेज वाला ऑप्शन दिया है, उस पर क्लिक करना है। फिर से नीचे की साइड देख सकते हैं इरेज वाला ऑप्शन दिया है, इसका साइज छोटा कर लेना आप लोग और इसको फेस से हटा लेना है जहाँ जहाँ नहीं चाहिए वहाँ। आराम से कीजिएगा, सिर्फ फेस से हटाना है बॉडी पार्ट्स। मैं जैसा जैसा कर रहा हूँ वैसा वैसा आप लोग भी कीजिएगा। तो फाइनली देख सकते हो फ्रेंड मेरा हो चुका है। तो सिंपली इतना कर लेने के बाद क्या करना है फ्रेंड, इसको राइट वाले पे क्लिक कर देना है। उसको फिर से राइट वाले पे क्लिक कर देना है।
उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करना है, फिर से इफेक्ट वाले पे क्लिक करना है, उसके बाद कलर्स वाले पे क्लिक करना है, जो इस पे क्लिक करना है और इसको बैकग्राउंड में लगा लेना है। जिस भी कलर को आप लोग को रखना है उस कलर को ले लेना है, इसको बड़ा घटा के देख लेना है, इसमें कलर चेंज होता है। तो हम लोग का यही कलर है तो हम लोग इसी को ले लेते हैं। उसके बाद इतना कर लेने के बाद क्या करना है, फिर से ही रेगुलर पे क्लिक करना है, फिर नीचे की साइड देख सकते हो यही रेगुलर दिया है उस पर क्लिक करना है और इसको जींस से हटा लेना है, जहाँ जहाँ नहीं चाहिए वहाँ वहाँ रिमूव कर लेना। देख ही सकते हो फ्रेंड मेरा हो चुका है। तो सिंपल इतना कर लेने के बाद क्या करना है, ऊपर की साइड देख सकते हो राइट वाले पे क्लिक कर देना है, फिर से उसी में क्लिक कर देना है। तो मेरा यहाँ का काम ख़त्म हो चुका है पिक्सआर्ट का, तो इसको सेव कर लेते हैं। तो लेफ्ट की साइड स्क्रॉल करके देख लेना है, देख सकते हो नीचे की साइड ड्रॉ वाला ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक करना है, ऊपर की साइड देख सकते हो थ्री डॉट का आइकॉन दिया है उस पर क्लिक करना है और इसको कर देना है सेव इमेज। उसके बाद कलर्स वाले पे क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ से पूरा बैक आ जाना, काट देना पूरा। उसके बाद फिर से आ जाना गैलरी में और जिस भी फोटो को भी हम लोग सेव किए हैं उस फोटो को ले लेना है और इसको शेयर कर लेना है पिक फोटो रूम एप्लीकेशन। इसमें नेट थोड़ा ऑन कर लेना है, इसमें नेट का ज़रूरत पड़ता है। तो आ जाना है अपना गैलरी में और जिस भी फोटो को अभी हम लोग सेव किए हैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से उस फोटो को ले लेना है और इसको शेयर कर लेना है फोटो रूम एप्लीकेशन। तो देख सकते हैं नीचे की साइड फोटो रूम का ऑन लोगो है, उस पर क्लिक कर देना है। तो थोड़ा यहाँ से रुक जाना है, यहाँ लोडिंग लेगा ऑटोमेटिकली, अपनी फोटो थोड़ा कट कर देता है। आप लोग का अपडेट नहीं होगा तो अपडेट कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ तक कट कर देना है यहाँ से। थोड़ा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है, थोड़ा वेट कर लेना है यहाँ पर। तो देख सकते हो फ्रेंड मेरा खुल चुका है। तो ये नीचे की साइड देख सकते हो ब्लर वाला एक को दिया है, उस पर क्लिक करना है। तो फाइनली इतना हो जाने के बाद क्या करना है, नीचे की साइड देख सकते हैं लेयर वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है, बैकग्राउंड वाले पर क्लिक करना है, थोड़ा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है, एडजस्ट वाले पर क्लिक करना है और थोड़ा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है। तो हम लोग को यहाँ कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, थोड़ा ब्लर हम लोग डालेंगे इसमें, तो ब्लर वाले पर क्लिक करना है। उसके बाद देख सकते हैं नीचे की साइड सेकेंड नंबर वाले पर क्लिक करना है, उसके बाद इसको बढ़ा के देख लेना है, जितना आप लोग को ब्लर रखना है उतना ले लीजिए। तो कुछ आप 30 के आसपास रख लेते हैं, उसके बाद इसको शेयर कर लेते हैं स्नैपसीड एप्लीकेशन। तो फाइनली देख सकते हो फ्रेंड मेरा फोटो आ चुका है, तो मेरा नीचे भी ब्लर ब्लर हो गया है। तो उसको हटाना है, उसके लिए क्या करना है, टूल्स वाले पे क्लिक करना है, उसके बाद डबल एक्सपोजर पे क्लिक करना है, उसके बाद इस पर क्लिक करना है और जिस भी फोटो को भी हम लोग सेव किए थे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में उस फोटो को ले लेना है। उसके बाद देख सकते हैं नीचे की साइड जो तीसरा नंबर वाला है उसको ले लेना है और इसको पूरा फूल कर लेना है, उसके बाद राइट वाले पे क्लिक कर देना है, उसके बाद ऊपर की साइड देख सकते हैं एरो का निशान दिया है उस पर क्लिक करना है, उसके बाद व्यू एडिट पे क्लिक करना है, डबल एक्सपोजर पे क्लिक करना है, उसके बाद ब्रश वाले पे क्लिक करना है और जहाँ जहाँ हम लोग को ब्लर नहीं चाहिए वहाँ वहाँ चला लेना, अप्लाई कर लेना हल्का हल्का, आराम से कीजिएगा, जितना आराम से कीजिएगा और नहीं खतरनाक तरह से एडिट हो फोटो।
तो फाइनली देख सकते हैं इतना हो जाने के बाद क्या करना है हम लोग को। इधर उधर भी ब्लर हट गया है तो सबको ब्लर करना है, तो आराम से कीजिएगा, जितना आराम से कीजिएगा उतना ही सही होगा। जैसा जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा वैसा आप लोग भी करना है। तो फाइनली देख सकते हो फ्रेंड मेरा फोटो हो चुका है। तो सिंपल इतना हो जाने के बाद क्या करना है, नीचे की साइड देख सकते हो राइट वाला आइकॉन दिया है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से ऊपर की साइड देख सकते हो तीर वाला आइकॉन है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से टूल्स वाले पे क्लिक करना है और थोड़ा हम लोग डिटेल को दे देंगे, इससे इस तरफ फोटो काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिख रहा है, तो डिटेल्स वाले पे क्लिक करना है और सैचुरेशन को बढ़ा देना है कुछ 50 के आसपास रख देना है। शार्पनिंग को भी कुछ बढ़ा देना है, 25 रख देना है इसको भी। सिंपल इतना हो जाने के बाद कुछ नहीं करना है, इसको फिर से नीचे वाले की साइड देख सकते हो राइट वाला ऑप्शन दिया उस पर क्लिक कर देना है और इसको शेयर कर लेना है ऑटोडेस्क स्केचबुक में। तो फाइनली देख सकते हो फोटो मेरा आ चुका है। तो सिंपली इतना आने के बाद क्या करना है फ्रेंड, इसको हम लोग इस फोटो को स्मूथ करेंगे स्केचबुक में। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ऊपर की साइड देख सकते हैं तीसरा नंबर वाला है उस पर क्लिक करना है और थोड़ा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देख सकते हैं स्मार्ट ब्रश, इसको ले लेना है। इसका सेटिंग आप लोग देख लीजिए, साइज को आप लोग अपने हिसाब से रख लीजिएगा, फॉलो को रखना है 13, स्ट्रेंथ को रखना 16, साइज अपने हिसाब से रख लीजिए आप लोग। उसके बाद साइड में टैप करना है और इसको हल्का हल्का स्मूथ करना है, जितना आराम से कीजिएगा उतना ही सही होगा, तो आराम आराम से कीजिएगा। आराम आराम से करना है फ्रेंड। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फाइनली देख सकते हैं फ्रेंड मेरा हो चुका है। तो इतना कर लेने के बाद क्या करना है, ऊपर की साइड देख सकते हैं लेयर वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, प्लस वाले पे क्लिक करके एक टू एम्प्टी लेयर बना लेना है। उसके बाद एम्प्टी लेयर पे क्लिक करना है, नॉर्मल में क्लिक करना है और इसको सॉफ्ट लाइट कर देना है। उसको साइड में टैप करना है, उसके बाद कलर वाले पे क्लिक करना है, इसका कलर रेड ले लेना है। उसके बाद फिर से साइड में टैप करना है, उसके बाद ब्रश वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद ब्रश देख लीजिए आप लोग, मीडियम ब्रश, इसका साइज आप लोग छोटा कर लीजिएगा, यही ब्रश है मीडियम ब्रश, इसका सेटिंग देख लीजिए आप लोग।
ओपेसिटी को फुल कर देना है, साइज को अपने हिसाब से रख लीजिएगा आप लोग, और इसको हल्का हल्का लिप्स में चला लेना है। तो फाइनली देख सकते हो मेरा फोटो हो चुका है, कितना ही खतरनाक तरह से लग रहा है फोटो। तो मेरा लिप्स में ज़्यादा ही लाइट लग रहा है, उसको थोड़ा कम करना है। उसके लिए क्या करना है, ब्लेयर वाले पे क्लिक करना है, इसका भी ओपेसिटी थोड़ा कम कर देना है, जितना आप लोग को सही लगे उतना रख देना है, कुछ 30 के आसपास रख देता हूँ। सिंपली इतना कर लेने के बाद क्या करना है, ब्रेन PNG ऐड करना है। उसके लिए PNG का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। यही एक PNG है, इसको लगा लेना है थोड़ा कुछ इस टाइप के। उसके बाद राइट वाले पे क्लिक कर देना है, उसके बाद फिर से लेयर वाले पे क्लिक करना है, उसके बाद एम्प्टी लेयर पे क्लिक करना है, जो नॉर्मल में क्लिक करके इसको कर देना है स्क्रीन। तो देख ही सकते हो मेरा फोटो कितना ही खतरनाक तरह से दिख रहा है। तो मेरा एक और टेक्स्ट PNG था, तो उसको भी एड कर लेते हैं, सेम प्रोसेस उसी तरह करना है। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। यही वाला PNG था, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड देख सकते हो मेरा फोटो कितना ही खतरनाक तरह से एडिट हो चुका है। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, ताकि मैं और भी इसी तरह वीडियो लाता रहूं। तो ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए क्या करना है, शुरू की फाइव जो ऊपर की साइड देख सकते हो फाइव नंबर वाला आइकॉन है, उस पर क्लिक करना है, उसके बाद शेयर वाले पर क्लिक करना है, उसके बाद इसको कर देना है सेव टू डिवाइस। थोड़ा सा वेट कर लेना है यहाँ, उसके बाद यहाँ से सेव वाले पे क्लिक कर देना है। तो देख ही सकते हैं मेरा फोटो कितना ही तरह से एडिटिंग हो चुका है।